हेलो एवरीवन, आज हम सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, जो है न्यूज़पेपर। सो न्यूज़पेपर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स स्टूडेंट्स के दिमाग में रहते हैं। तो आज हम उन डाउट्स को क्लियर करेंगे, और हम एक न्यूज़पेपर के थ्रू ये भी फिगर आउट करने का ट्राई करेंगे कि न्यूज़पेपर को एक्चुअली किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो सबसे पहली चीज़ आती है जो लोगों के दिमाग में जब वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो पहली चीज़ तो आती है, वो होती है विच न्यूज़पेपर। तो ये डाउट बड़ा रहता है बच्चों के। मैं कहीं भी जाता हूँ तो बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो मार्केट में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं। जनरली सिविल सर्विसेज़ के लिए लोग हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कुछ लोग बिजनेस टाइम्स भी पढ़ते हैं और कुछ लोग बाकी न्यूज़पेपर्स भी पढ़ते हैं। इनफैक्ट आप कुछ इंटरव्यूज़ देखेंगे जहाँ पे कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ने बोला है कि उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं था, उन्होंने बाकी करंट अफेयर्स मैगजीन्स और उस चीज़ों से चीज़ें कवर कर ली थी। तो ये जनरली डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर, वो किस न्यूज़पेपर में कंफर्टेबल फील कर रहा है। मेरे हिसाब से हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस इक्वली गुड है, उनमें से कोई भी आप न्यूज़पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक हैबिट होती है कि जब आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है और आप उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करने लगते हो। तो स्टार्टिंग में आप देख लो कौन सा न्यूज़पेपर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, उस हिसाब से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से हिंदू इंडियन एक्सप्रेस दोनों इक्वली गुड है। बाकी अगर आपको बिजनेस टाइम्स कुछ लोग प्रेफर करते हैं, वो भी आप देख सकते हैं अगर आप उसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये डाउट होता है कि न्यूज़पेपर बिना न्यूज़पेपर पढ़े मैगजीन्स के थ्रू चीज़ें कवर हो जाए। बट मेरा पर्सनल ये एक ओपिनियन है कि न्यूज़पेपर आपको एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव देता है। तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली जंपिंग टू ये मैगजीन्स, आप न्यूज़पेपर पढ़ें, और न्यूज़पेपर पढ़ने में आप चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों का पर्सपेक्टिव जो पता चलेगा, वो काफ़ी आपको हेल्पफुल होता है। तो पहला क्वेश्चंस तो ये आता है। दूसरा क्वेश्चन होता है बच्चों का टाइम। जब बच्चे स्टार्टिंग में प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा वेस्ट हो जा रहा है, बहुत टाइम लग रहा है न्यूज़पेपर में। और ये होता है क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हो तो अगर आप फर्स्ट पेज टू पेज आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा चीज़ों को कवर करने में, अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप करने में। तो आई फील कि अगर आप स्टार्टिंग में जब आप न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं तो 1.5 घंटा से ज़्यादा आपको न्यूज़पेपर पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। 1.5 घंटे में आपकी मोस्ट ऑफ़ द थिंग्स कवर हो जानी चाहिए जब आप स्टार्टिंग फेज़ में होते हो प्रिपरेशन के। और जब आप जैसे जैसे प्रोसीड करते हो, देयर कम्स अ टाइम जहाँ पे आपको पता चलने लगता है कि न्यूज़पेपर में से किस चीज़ किन चीज़ों को पिक करना है, किन चीज़ों को छोड़ना है। तो वो उस स्टेज में 40-45 मिनट्स मैक्सिमम काफ़ी होते हैं न्यूज़पेपर को कवर करने के लिए। तो इस टाइम से इस टाइम पे आने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूज़पेपर में से क्या चीज़ें पिक करनी है और क्या चीज़ें छोड़नी है। तो और वो चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आपको सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम के बारे में आइडिया होगा कि वो उसकी डिमांड क्या है। तो स्टार्टिंग में आप इतना टाइम अगर आपको लग रहा है तो वेल एंड गुड, उतने में आप यूज़ वो कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अगर लग रहा है तो आपको कट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम आपकी बाकी प्रिपरेशन को अफेक्ट करेगा। तो और ये न्यूज़पेपर का वीडियो है, तो आई विल नॉट गो इन टू सिलेबस एंड ये प्रीवियस ईयर्स पेपर्स पार्ट, बट न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए ये दोनों चीज़ें उतनी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। न्यूज़पेपर की कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, आपको तब तक उसकी इम्पोर्टेंस या अंडरस्टैंडिंग नहीं पता चलेगी तब तक जब तक आपके दिमाग में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं हो। तो मेंस का पेपर हो या प्रीलिम्स का पेपर हो, जब वो आपका इम्प्रिंट हो जाता है तब आप चीज़ों को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत इंटरलिंक्ड हैं न्यूज़पेपर को समझने के लिए। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, व्हाट टू रीड न्यूज़पेपर में।
किस तरीके से आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है, ये न्यूज़पेपर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट वो हो जाता है। यहाँ पे मेरे पास इसी चीज़ को समझाने के लिए आज का द हिंदू मेरे पास है, क्योंकि बिना इसके चीज़ें समझना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है न्यूज़पेपर में देखने के लिए, वो होती है इश्यूज़, क्योंकि न्यूज़पेपर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा कि कोई भी कंट्री में या इंटरनेशनल उसमें एरेना में क्या इशू चल रहा है। फैक्ट्स, फिगर्स या आप बाकी चीज़ों से भी कवर कर सकते हो, लेकिन न्यूज़पेपर का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होता है इशूज़ को समझना। तो अगर हम देखें, एक न्यूज़पेपर है, इसमें 14 पेजेस हैं, अगर आप इन एंड आउट चीज़ों को पढ़ने लगेंगे तो पूरे दिन में भी आप इस चीज़ को कवर नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से दिन में हार्डली 5 से 6 इश्यूज़ होते हैं न्यूज़पेपर में पढ़ने लायक, जो कि आपको पढ़ने रहते हैं। अगर हम देखें आज का द हिंदू न्यूज़पेपर, अगर हम देखें तो फ्रंट पेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 न्यूज़ दे रखी हैं। इसमें फर्स्ट इज़ इंडिया पाकिस्तान एग्री टू अडेयर टू 2003 सीज़फायर, सेकंड इज़ गवर्नमेंट टू मॉनिटर OTT कंटेंट, थर्ड इज़ रिलेटेड टू वैक्सीनेशन 45+ के लिए, फोर्थ इज़ UK कोर्ट अलाउज एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट नीरव मोदी केस का, एंड फिफ्थ इज़ सेम सेक्स मैरिजेस विल कॉज हैवक गवर्नमेंट टेल्स हाई कोर्ट। तो इन 5 न्यूज़ में अगर आप देखें तो इशू बेस्ड न्यूज़ अगर आप कंसिडर करेंगे तो फर्स्ट इज़ गवर्नमेंट टू मॉनिटर OTT कंटेंट, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सोशल मीडिया रेगुलेशन के ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिविल सर्विसेज में इसके ऊपर, और वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किस तरीके से क्या रेगुलेशंस कर रही है गवर्नमेंट, उसका इफेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच या बाकी न्यूज़ शेयरिंग बाकी चीज़ों पर किस तरीके से होगा, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 45+ विल नीड मेडिकल सर्टिफिकेट वैक्सीन के लिए, तो इसको अगर आप अवॉइड करना चाहें तो भी अवॉइड कर सकते हैं। एक्सट्रेडिशन की जो रिक्वेस्ट है नीरव मोदी की, वो भी चलती रहती है, उसमें भी कोई ऐसा इशू बेस्ड चीज़ नहीं है। इंडिया पाकिस्तान एग्री टू अडेयर टू 2003 सीज़फायर, ये भी एक इवेंट है जो कि काफ़ी टाइम बाद हो रहा है, क्योंकि लेटली हमने देखा इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस काफ़ी अच्छे नहीं चल रहे थे, तो ये हो रहा है तो ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिक इशू आपको पूरा नहीं मिलेगा, तो इसको भी आप उस तरीके से नहीं देख सकते। सेम सेक्स मैरिजेस विल कॉज हैवक गवर्नमेंट एंड हाई कोर्ट, ये देखिए ये छोटी सी न्यूज़ है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और इश्यूज पर्सपेक्टिव से भी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स उठाएंगे राइट टू प्राइवेसी वाले, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है LGBT के जजमेंट्स, तो वो दे आर डिमांडिंग दिस थिंग सेम सेक्स मैरिज का, और गवर्नमेंट जो कोर्ट में बता रही है उस चीज़ को, तो इसके रिपरकशंस, इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको पूरे LGBT के मूवमेंट को, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए हैं, प्राइवेसी के फंडामेंटल राइट्स हैं जो, वो सब समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दोनों मुझे लगता है कि इशू बेस्ड चीज़ें हैं OTT कंटेंट, और ये इस पे ज़्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा। अगर आप लोकल न्यूज़ में देखें तो लोकल न्यूज़ तो आप अवॉइड ही कर सकते हैं, हिंदू में भी, एक्सप्रेस में भी, किसी भी न्यूज़पेपर में लोकल जो न्यूज़ होती हैं उसको इतना कोई पढ़ने का वो ज़रूरी नहीं होता है। तो ये इस पेज पे तो ज़्यादातर लोकल न्यूज़ ही हैं सारी, तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। जो एडिटोरियल है उसका अभी मैं आऊँगा, एडिटोरियल को किस तरीके से लेनी है, किस तरीके से चीज़ें। ये नेशनल न्यूज़ जो होती हैं वो इस पेज पर होती हैं, इसमें भी इंडिया चाइना रिव्यूज़ स्टेटस एट LEC ये पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है इसमें क्या चल रहा है, क्योंकि आपको जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनकी, उनसे अपडेट रहना पड़ता है। और बाकी तो पोएट विष्णु नारायण नंबूदरी डेड और ये सारी चीज़ें, NCP PDP हुर्रियत वेलकम इंडिया पाकिस्तान सीज़ फायर डील, ये पॉलिटिकल न्यूज़ भी आप अवॉइड कर सकते हैं जो भी चल रहा है। बट हाँ, पॉलिटिकल न्यूज़ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन होता है, लीगल इम्प्लीकेशन होता है, या पार्लियामेंट का कुछ इशू होता है, उसमें आपको देखना होता है कि उसका इफेक्ट किस तरीके से हो सकता है। चाहे वो सपोज़ पुडुचेरी में रिसेंटली जो गवर्नमेंट थी वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाई तो वो गिर गई थी, तो दैट्स अ पॉलिटिकल न्यूज़, बट उसके पीछे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अभी वहाँ प्रेसिडेंट रूल लग गया है, तो प्रेसिडेंट रूल का एक इशू आ जाता है, गवर्नर्स का डिस्क्रिशन आ जाता है, वहाँ पे स्पीकर्स का रोल आ जाता है, डिफेक्शन आ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसके बैकग्राउंड में आपको समझनी पड़ती हैं किस तरीके से वो हो रही हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि पॉलिटिकल न्यूज़ में जो पीछे का बैकग्राउंड है, इशू है, वो क्या उसका हो सकता है।
बाकी यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ है, गूगल आस्क टू कंपनसेट न्यूज़पेपर्स। ये भी सोशल मीडिया का जो OTT कंटेंट है उसी से रिलेटेड है, तो आप इसको लिंक कर सकते हो किस तरीके से उसमें चलनी है। अब ये इलेक्शन टाइम है तो इलेक्शन से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ चलती रहती हैं, तो वो सारी चीज़ें आप उसको अवॉइड कर सकते हो मोस्टली। यहाँ पे जो बिज़नेस वाला पेज होता है इसमें कभी कभी काफ़ी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं, और पेपर 3 में खासकर इसमें से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे मैंने बैड बैंक को सर्किल किया हुआ है, तो बैड बैंक पे अगर PVCS पेपर्स देखेंगे उसमें भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये इशू बेस्ड है कि NPS जो हमारे बढ़ रहे हैं, बैंक्स लेंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको किस तरीके से एक नया बैड बैंक क्रिएट करके हम रिवाइव किया जा सकता है जो एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपको पढ़ने के लिए। तो अगर हम नोट डाउन करना चाहें कि आज के न्यूज़पेपर में, और आप भी ये 26 फरवरी का न्यूज़पेपर उठा सकते हैं, एंड द हिंदू है, उससे मेरे इश्यूज़ और अपने इश्यूज़ को लिंक कर सकते हैं कि आपको क्या इम्पोर्टेंट लगा और मेरे इश्यूज़ क्या इम्पोर्टेंट थे। तो सबसे पहले तो OTT का जो है रेगुलेशन आता है, जो मुझे मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी इस टाइम पे। दूसरा, यहाँ पे सेम सेक्स मैरिजेस का जो इशू है वो भी मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि इसके इम्प्लिकेशंस काफ़ी होते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं एग्ज़ाम में। ये चीज़ हो गई। थर्ड, मुझे एक बैड बैंक्स का लगा कि हम किस तरीके से, तो जब भी आप कोई न्यूज़पेपर में इशू आ रहा है तो उसका करंट वर्जन आपको पता चलेगा कि उसमें क्या हो रहा है, आपको उसका बैकग्राउंड स्टडी, बैकग्राउंड रिसर्च आपको खुद से करनी पड़ेगी। तो आपको अगर ये लगता है कि ये इशू इम्पॉर्टेंट है तो आप इसे इन एंड आउट कवर कर लें। बैड बैंक्स का हो सकता है कोई पर्टिकुलर न्यूज़ दी हो, बट उसका क्या पूरा बैकग्राउंड है उसको आप खुद से कवर कर सकते हैं। चौथा, ये जैसे एक मैंने डिस्कस नहीं किया, मैं पढ़ रहा था म्यांमार कू के बारे में दिया हुआ था, तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि किस तरीके से वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है और वहाँ इंटरनेशनल उसमें क्या चल रहा है, तो ये भी आप देख सकते हैं। और एक सीज़ फायर का है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे इस न्यूज़पेपर में पूरी लगी कि ये 5 इशूज़ हैं, ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इनको कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब हम आते हैं कि एडिटोरियल पे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूज़पेपर का, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एडिटोरियल में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं, तो क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रेपिटेटिव हो जाता है बहुत ज़्यादा, एक ही इशू बार बार रिपीट होता है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। फार्म लॉस चल रहे थे, या सोशल मीडिया रेगुलेशन अब चल रहा है, या दूसरी चीज़ें हैं, बार बार एडिटोरियल जब आते हैं तो आप इन एंड आउट जब एक बार कवर कर सकते हो तो उसे अवॉइड कर सकते हो। तो रेपिटेटिव अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसको अवॉइड कर सकते हो। कई बार पर्सनैलिटी बेस्ड एडिटोरियल आते हैं, कोई आर्टिस्ट है, कोई ऑदर है, कोई भी है उसके बेस पे, तो वो भी आप अवॉइड कर सकते हो अगर आपको लगता है कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर आप देखें यहाँ पे हिंदू का जो एडिटोरियल है, इसमें एक यहाँ राइट साइड पे शुड गवर्नमेंट रेगुलेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये वही OTT से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, तो ये आप पढ़ सकते हो, इसको अच्छे से समझ सकते हो। एक है सिंगल पार्टी डोमिनेंस डेमोक्रेसी इम्पेरल्ड, ये M.K. नारायणन का आर्टिकल है, तो ये बहुत जनरल आर्टिकल है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है सारी चीज़ों की तो उसको अवॉइड करना है, अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन फॉर द सेक ऑफ रीडिंग अगर आपको ये है कि चीज़ों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो वो आपको पढ़ सकते हो। एब्सर्डिटी ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ भी क्या होता है कि हम लोग बहुत अच्छे से कवर किए हुए होते हैं सारी चीज़ें, और कई बार आता है जब भी प्रेसिडेंट रूल लग रहा है, जब भी कहीं स्पीकर्स का रोल आ रहा है, एंटी डिफेक्शन लॉ बार बार आता है, तो आपको वही देखना है कि आपने अगर इन एंड आउट चीज़ें कवर कर ली हैं तो उसको अवॉइड कर सकते हो, और कोई नया चीज़ है तो उसको आप पढ़ सकते हो। वैक्सीन इनइक्विटीज़, यहाँ पे एक आर्टिकल है और एक जुडिशियल ब्लो का है, जहाँ पे नेपाल में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उसको वापस रीइंस्टेट करने को पार्लियामेंट में, तो ये कुछ जो जो चीज़ें आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है वो आप कवर कर सकते हो, बाकी जो रेपिटेटिव हैं या बाकी जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से रेलेवेंट नहीं है तो उसको अवॉइड कर सकते हो। तो इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि फ़र्स्ट इधर वर्ड से लेकर आखिर वक्त तक आपको एडिटोरियल के सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़नी है, तो एडिटोरियल का ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो
और एक और चीज़ एडिटोरियल्स में क्या होती है कि आप जो भी इश्यूज पढ़ रहे हैं तो उसको आप इन एंड आउट कवर कर लें। इन एंड आउट कवर करने का मतलब ये है कि सपोज कोई पर्टिकुलर इशू चल रहा है, आज उसके बारे में कुछ आएगा, कल को उसके बारे में कुछ आएगा, तो इस तरीके से जब आप उसे बार बार पढ़ रहे हैं तो आप जब नोट्स बनाते हैं एडिटोरियल्स के या उससे रिलेटेड, तो एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग में ना बनाएं। जब ये चीज़ इन एंड आउट कवर हो जाए उसका नोट्स बना के उसे ख़त्म कर दें कि ये वाला इशू था, मैंने इसका इशू प्रोस कॉन्स इसके सॉल्यूशंस इसका क्या चीज़ है सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब कहीं से भी उससे रिलेटेड कुछ भी आएगा तो आई कैन राइट माय आंसर। तो एडिटोरियल का जो समझने का पर्सपेक्टिव होता है वो यही होता है कि आप जो इशू है वो पर्टिकुलर उसको कैसे हैंडल करना है। तो न्यूज़पेपर से रिलेटेड यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है, और आप भी अगर करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा। और बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए विल थिंक के किस टॉपिक पे बनाना है। थैंक यू।